हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ विकेट राइडर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मेरे को एक्सोर का एक हेलमेट एपेक्स सीरीज का ही और डिलीवर हुआ है एंड आई बॉट दीज लाइट्स एज वेल फॉर हेलमेट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वाले हेलमेट को खोलेंगे एंड हेलमेट में जो लाइट्स है उसको इंस्टॉल करेंगे। सो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा था, मैंने बहुत जगह इसका रिव्यूज़ पढ़ा, ओवरऑल जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है। सो दैट्स व्हाई आई बॉट इट एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग। अगर आप कभी भी रात में अगर राइड पे जा रहे हो तो लिटरली मतलब उसको अलग से बिल्कुल दिखता है ये लाइट अगर हेलमेट में लगा होता है, तो जो ओवरऑल लुक है ना बाइक का और हेलमेट का वो एनहांस हो जाता है, अलग सा दिखता है। तो दैट्स व्हाट आई वांट। सो अभी हम लोग हेलमेट खोलेंगे और जो लाइट जो मिली है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हेलमेट निकालता हूँ मैं। सो दिस इज़ अवर एक्सोर हेलमेट और उसके साथ में हम लोगों को मिल जाता है ये एक बैग सा, जैसे कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू कैरी योर हेलमेट इन हैंड, तो आप क्या कर सकते हो, इसको बैग को यहाँ पे पीछे टांग भी सकते हो। तो काफ़ी अच्छा चीज़ ये मेरे को एक्सोर में लगा, जो कि ये लोग सारे ही हेलमेट के साथ में देते हैं। और जो एपेक्स सीरीज़ है, दैट इज़ मैं जो पहले भी हेलमेट यूज़ कर रहा था, दैट इज़ ऑल्सो एपेक्स वेनमस, तो उसका जो है वो मैट फिनिश है एंड दैट इज़ इन ग्रीन कलर। और ये वाला जो है मैंने जो मंगाया है, दिस इज़ ग्लॉसी ब्लैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल जो इसका लुक है। मतलब आपको अगर दिखाता हूँ तो ये देखो, तो चारों तरफ से मतलब हेलमेट का बहुत प्रीमियम लुक आता है और ये पार्ट मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, इस पॉलीथीन को निकालना। यस, तो कुछ इस तरीके का हम लोगों को हेलमेट दिखता है एंड यहाँ पे आपको जो साइड में स्विच सा मिल जाता है, जिससे कि आप जो अंदर का जो वाइज़र है उसको आप अप एंड डाउन कर सकते हो। अगर मैं पीछे की ओर करता हूँ तो वाइज़र नीचे आ जाता है। और इसके साथ में एक चीज़ अच्छी है, ये पिन लॉक है और आप इसका जो वाइज़र है वो चेंज भी कर सकते हो। और अगर आपको ये एंटी फॉगिंग वाला नहीं चाहिए, देन यू कैन चेंज योर वाइज़र ऑल्सो। ये जो एक पतला सा लेयर आता है रबड़ वाला, तो उससे क्या होता है कि जब भी आप हेलमेट पहनते हो तो बेसिकली आपको जो अंदर फॉग बनने लग जाता है वो चीज़ नहीं होता है। आपको एक बार पहन के भी दिखा देता हूँ कैसा है। सो हाउ इज़ इट लुकिंग, तो ये जो है ये डॉट सर्टिफाइड है, तो जो हेलमेट है ये डॉट सर्टिफाइड है एंड इसका मेन चीज़ यही चीज़ अच्छा है कि जो आप अगर स्टार्टिंग रेंज में अगर आप देखोगे हेलमेट्स को, तो ये दी बेस्ट हेलमेट है। इससे और ऊपर जा सकते हो तो एम्प्टी हेलमेट्स हैं, देन उसके बाद में काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं हेलमेट में, बट दिस इज़ व्हाट आई लाइक। और इस हेलमेट की एक अच्छी बात यह है कि जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पर इसमें डी रिंग वाला दिया हो, तो डी रिंग वाले हेलमेट बहुत अच्छे रहते हैं। आप जब भी मतलब कभी भी डॉट सर्टिफाइड लेते हो, आपको मैक्सिमम डॉट सर्टिफाइड हेलमेट्स में आपको डी रिंग ही मिलेगा। और जो मैं लाइट आज इंस्टॉल करने वाला हूँ, दैट इज़ बेसिकली दिस वन। तो आपको इसमें तीन मोड्स मिल जाते हैं, एक तो नॉर्मल, एक ग्लो करता रहेगा। तो आपको इसमें तीन मोड्स मिल जाते हैं, एक ग्लो करता रहेगा, देन एक है फ्लैशिंग मोड, एक मतलब ब्लिंक मोड करेगा, और एक फ्लैशर हो जाता है जिससे कि ब्लिंक करता रहेगा। सो दिस इज़ वॉट आई लाइक। और इसमें और भी कलर आते हैं, एक ऑफ वाइट भी आता है एंड दिस इज़ बेसिकली ब्लू कलर। और इसका जो एक्चुअली लुक आता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस जो लाइट्स को है हम लोग हेलमेट में इंस्टॉल करेंगे। और बेसिकली इसके पीछे आपको 3M का टेप मिल जाता है, तो इसका पेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और एक चीज़ सजेशन आपके लिए ये रहेगी कि जैसे अगर आपको ये हेलमेट में लगाना है एंड आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ वाटर प्रूफ और नॉट, बट आप क्या कर सकते हो, एक PPF कोटिंग साइड में हेलमेट के जहाँ पे भी ये आपका लाइट फिट हो रहा है उसके ऊपर लगा सकते हो, जिससे कि आपका थोड़ा सा बेटर हो जाएगा एंड आप अगर रेनी सीजन्स में भी निकल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे हेलमेट पे। बेसिकली यहाँ पे 3M टेप हम लोगों को मिल जाता है एंड हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं ईजिली। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका क्लिप निकाल देता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में ईजी हो जाए। इसका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, ये वाला एक क्लिप निकाल देना है और जो इसका सेकंड लाइट का जो है उसका क्लिप निकाल देना है।
तो अभी ये दोनों जब क्लिप निकल चुका है, अब मैं देखता हूँ कि इसमें कैसे फ़िट करना है। मैंने काफ़ी जगह देखा है कि एक्स करके फिट करते हैं, बट दैट विल नॉट लुक गुड। तो इसका एक ऑप्शन ये है कि मैं इसके साथ में फ़िट करूँगा, तो एक इसको बहुत शार्प सा और अच्छा सा लुक मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अभी ये कुछ इस तरीके से मैं इसको फ़िट करूँगा एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं इंस्टॉलेशन के बाद में कैसा दिखता है। तो अपना जो राइट साइड का लाइट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है और अभी मैं लेफ्ट साइड में इंस्टॉलेशन करूँगा इसका। इसका भी 3M टेप निकाल लेते हैं दूसरी साइड का भी। तो अभी जो अपना हेलमेट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एक बार लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको, तो ये देखो कैसा आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको स्विच करके दिखा देता हूँ मोड कौन कौन सा है। एक फ्लैश वाला हो गया, देन एक ब्लिंक मोड है और एक उसके बाद में है ये फ्लैश वाला मोड। तो ये 3 मोड्स हैं इसमें और यू कैन सी कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है। सो यू कैन सी, सो अभी हम लोगों का हेलमेट में इंस्टॉलेशन हो चुका है लाइट का और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स कि आप लोगों को कैसा लगा। जो ये कंट्रोलर है इसको आप क्या कर सकते हो, आप कहीं भी टी शर्ट में अपने क्लिप कर सकते हो या बैक साइड में यहाँ पे इधर पे कॉलर में क्लिप कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट ऑल्सो। बट अगर इसको हेलमेट में लगाते हो, सो दिस इज़ बेसिकली बिट हैवी, तो आप लोगों को राइडिंग में भी अनकम्फर्टेबल होगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको अलग से निकाल के रख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली छोटा सा क्लिप है, आप इसको प्रेस करो, ये इजीली रिमूव हो जाता है, तो अच्छा है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। आप बताओ मेरे को कि आपको लाइट्स कैसी लगी एंड सून आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ID विकेट राइडर ऑफिशियल, जो अभी आप लोगों को यहाँ पे पॉपअप भी कर रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी मैं और ब्लॉग की एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें कि RR310 की मॉडिफिकेशन मैं कराने वाला हूँ और काफ़ी सारे अमेजिंग स्टफ्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।